नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अनिशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ को पहली बार मिली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इवेंट की मेजबानी। 6 सितंबर को होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन। हिसार एयरपोर्ट से 3 सितंबर को उड़ेगा पहला विमान। राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को कोर्ट से राहत नहीं। शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल की महिला अध्यापकों से अश्लील हरकतें, वीडियो वायरल। पंजाब में HIV पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव रोकने के लिए बनेगा कानून। मनी महेश यात्रा फिर रोकी गई। हमीरपुर से वृंदावन के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा। मेट्रो व DTC बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए दिल्ली सरकार को मिला बजट। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने यमुना खेल परिसर का नाम अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। इंडियन फुटबॉल को 55 से ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉलर देने वाले चंडीगढ़ को बड़े इवेंट की मेजबानी मिली है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का कैलेंडर रिलीज कर दिया है और इसमें चंडीगढ़ को नॉर्थ जोन क्वालिफायर संतोष ट्रॉफी की मेजबानी दी गई है। IFA ने चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन की मेजबानी सौंपी है और सिटी में होने वाली नॉर्थ जोन संतोष ट्रॉफी के बाद दो टीमें फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन 6 सितंबर को होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन को UT प्रशासन ने लेटर जारी कर दी है। लगभग 14,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में और करीब 50,000 स्टूडेंट्स इससे एफिलिएटेड शहर के कॉलेजों में अपने मतदान का उपयोग करेंगे। UT ने यूनिवर्सिटी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हिसार एयरपोर्ट से 3 सितंबर को आधिकारिक रूप से पहला विमान उड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट से शुभारंभ सुबह 9:30 बजे CM मनोहर लाल द्वारा किया जाएगा। यहां से स्पाइस जेट का 7-सीटर विमान चंडीगढ़ के लिए पहली उड़ान भरते हुए CM सहित अन्य नेताओं को लेकर जाएगा। इसके साथ ही अन्य स्थानों के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हनीप्रीत ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मामले में जब सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने मामले को अन्य बेंच को देने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया। ब्लॉक तलवाड़ा के तहत आने वाले एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की महिला शिक्षकों के साथ की गई अश्लील हरकतों ने शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। स्कूल में दफ्तर के अंदर प्रिंसिपल और महिला शिक्षकों की गंदी हरकतों की वीडियो वायरल हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर वीडियो उन्हें मिलती है तो उसकी सच्चाई जानने के बाद प्रिंसिपल पर जरूर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में HIV पीड़ित मरीजों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो सकेगा। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से सूबे में कुछ ऐसे नियम बनाने के साथ लोकपाल तैनात किए जाने की तैयारी चल रही है, जिनके पास HIV पीड़ित मरीज अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए नियमों को तय करने का काम चल रहा है। सभी नियम तय हो जाने के बाद पंजाब ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर HIV पीड़ित मरीजों को न्याय दिलाने के लिए कोई संवैधानिक संस्था होगी। जिला चंबा की मणि महेश यात्रा रोक दी गई है। भ्रंगनाला में भरमौर को हड़सर से जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के कारण बह गया। इस कारण सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। जिला चंबा प्रशासन ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों को संदेश जारी कर एडवाइजरी जारी की है कि वे कुछ दिन लोगों को मणि महेश यात्रा का रुख करने से रोक दें। राधा कृष्ण की वृंदावन धाम के लिए हमीरपुर से सीधी बस सेवा जल्द शुरू हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक यह बस सेवा हमीरपुर वृंदावन रूट पर रवाना हो सकती है। इंटरस्टेट परमिट मिलने के बाद अब सरकार से आखिरी स्वीकृति का इंतजार है। पिछले लंबे समय से वृंदावन धाम के लिए हमीरपुर और ऊना से बस सेवा शुरू किए जाने की मांग होती रही है। दिल्ली मेट्रो व DTC की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र कराने की दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की राह में बजट रोड़ा नहीं बनेगा। दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को इसके लिए 290 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाज़त दे दी है। DTC व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफ़र कराने की एवज में दिल्ली सरकार 140 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं मेट्रो के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली के निधन से हर कोई दुखी है।
पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। पत्र के माध्यम से गंभीर ने यमुना खेल परिसर का नाम बदलकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने की मांग की है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।